नो बिल्ली रास्ता क्यों काटती है? एक्चुअली बिल्ली बहुत स्मार्ट होती है और फ्यूचर देख सकती है, इसलिए वो घंटों आपका वेट करती रहती है कि कब आप आओगे और कब वो आपका रास्ता काटेगी, सो दैट यू विल गेट एन इंडिकेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन टू यू। एक्चुअली बिल्लियों की लाइक बहुत बड़ी सीक्रेट कम्युनिटी होती है जिसमें उनकी एक क्वीन होती है और हर बिल्ली के एरियाज डिवाइडेड होते हैं। हर बिल्ली के एरियाज के हिसाब से उन्हें एक एक लिस्ट दी जाती है जिसमें उन लोगों के नाम होते हैं जिनका रास्ता उनको काटना होता है। हर बिल्ली को अपना काम खत्म करके क्वीन को रिपोर्ट करना होता है जिसके बदले में उन्हें एज अ रिवॉर्ड चूहे दिए जाते हैं। आपको मेरी बात बकवास लग रही होगी है ना, बट ट्रस्ट मी ये सारी बातें सच में बहुत बकवास है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि बिल्लियों की कोई सीक्रेट कम्युनिटी है। सो गाइज वेलकम टू अ न्यू सीरीज ऑफ मिथ्स एंड रियलिटी वेयर आई विल बी अनरैवलिंग द मिथ्स एंड विल टेल यू द स्टोरीज बिहाइंड देम। दिस इज द फर्स्ट एपिसोड व्हाई टू कैच क्रॉस योर पाथ बिल्ली रास्ता क्यों काटती है। सी पहली चीज तो ये कि जो सच होता है वो सबके लिए सच होता है, आप उसे बदल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल धरती गोल है और ये सच है। अगर आप कहोगे कि धरती गोल नहीं है तो या तो आप पता नहीं कौन सी सेंचुरी से टेलीपोर्ट हो गया हो या फिर आप स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं करते हो। नाउ लेट मी टेल यू कि अलग अलग कंट्रीज में बिल्लियों से रिलेटेड क्या अलग अलग सुपरस्टिशंस या अंधविश्वास होते हैं। इंडिया में बिल्ली का रास्ता काटना अपशगुन माना जाता है। जापान में बिल्ली का रास्ता काटना लकी माना जाता है। जर्मनी में अगर बिल्ली ने राइट से लेफ्ट रास्ता काटा है तो बैड लक है और लेफ्ट से राइट काटा है तो गुड लक है। यूके में बिल्ली का रास्ता काटना इज अ गुड लक। अगर बिल्ली आपकी तरफ आ रही है तो अच्छी बात है, लकी है, और अगर आपसे दूर जा रही है तो बैड लक। अब आप ही बताओ बिल्ली से रिलेटेड अगर इनमें से कोई भी अंधविश्वास सच होता तो वो सबके लिए सच होता ना। अब जैसे धरती गोल है तो वो इंडिया में भी गोल है और जापान में भी गोल है और यूएसए में भी गोल है, कहीं कोई और शेप तो है नहीं या आपके लिए चकोर तो नहीं है। अलग अलग जगह पे अलग अलग सुपरस्टिशंस की अलग अलग हिस्ट्री है, बट क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ की हिस्ट्री क्या है। बहुत समय पहले की बात है, जब कार्स और बाइक्स का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग बैलगाड़ी से, घोड़े तांगे से या ऐसे वाहनों से यात्रा करते थे। अब उस समय जिम कॉर्बेट जैसे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी नहीं होते थे, तो जंगली जानवर जैसे लायन, चीता, तेंदुआ, बाघ ये सब खुले घूमते थे बिना किसी बाउंड्री लाइन के। और ये टाइगर वाली फैमिली पूरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ज्यादा पाई जाती है। और ये हॉर्स, बुलेट्स जैसे जानवर इनको देख के डर जाते थे। और ऑब्वियस सी बात है, जब ये जंगली जानवर इनका शिकार करते हैं तो डरना बनता भी है, ऊपर से रात में और इनकी आंखें चमकने लगती हैं। इस वजह से लोग टाइगर्स वगैरह को देख के दूर से ही रुक जाते थे। इससे क्या होता था कि टाइगर्स, लेपर्ड्स वगैरह अटैक भी नहीं करते थे और जो हॉर्स या बुलेट्स हैं उनको ब्रेक भी मिल जाता था। अब ये एक्सपीरियंस लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू किया और कहा कि रास्ते में अगर ऐसा कोई जानवर दिखे तो रुक जाना, पहले उसे जाने देना फिर चलना शुरू करना। और रात में अगर सिर्फ आंखें चमक रही हैं तो आप नहीं बता सकते कि सामने कौन है, शेर है या चीता है या बिल्ली है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए सब रुक जाते थे क्योंकि ये भी नहीं पता कि कौन अटैक कर दे। भाई जिसका पेट भरा हुआ है हो सकता है वो अटैक ना करे, बट जिसको भूख लगी है वो तो अटैक करेगा ना। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया लोग जंगली बिल्लियों के साथ साथ पालतू बिल्लियों के सामने भी रुकने लग गए। अब जंगली जानवरों के लिए नेशनल पार्क्स बना दिए गए हैं, उनकी बाउंड्री है, वो अब ऐसे खुले नहीं घूमते तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। पर बिल्ली से हम बिना किसी रीजन के डरते हैं और वो तो अटैक भी नहीं करती बेचारी। ये रीजन था लोग बिल्लियों को देखकर क्यों रुक जाते थे, बट अब इसका कोई सेंस नहीं है। अब रुकना क्यों रुकते हैं पता नहीं। तो अब आप याद रखिएगा कि अगर आगे से कभी भी कोई बिल्ली आपका रास्ता काट रही है तो इसका मतलब है कि वो कहीं जा रही है, बस और कुछ नहीं। अच्छा हाँ, आप लोगों से एक क्वेश्चन है। आप में से बहुत सारे लोग नेशनल पार्क जैसे जिम कॉर्बेट वगैरह गए होंगे, सफारी ट्रिप पे गए होंगे या फिर वीडियोस तो पक्का देखी होगी। तो मुझे ये बताइए कि जब जंगली जानवर जैसे शेर, चीता, इवन हाथी भी जब सामने आ जाते हैं तब तो रुक क्यों जाते हैं? इनफैक्ट कार भी बंद कर देते हैं, क्यों? सोच के देखना। So that's it for today from my side. If you like this video, give it a like, comment and इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए, लोगों को अवेयर कीजिए कि बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ नहीं होता है, इसलिए शेयर शेयर शेयर। I will be back soon with another superstition and story behind it. So keep watching and bye bye. अच्छा चल मैं चलती हूँ। अरे रुक जा रुक जा। क्यों क्या हुआ? देखा नहीं बिल्ली रास्ता काट के गई है? तो
अपशगुन होता है। अभी तुझे वीडियो दिखाई तेरे दिमाग में कुछ घुसा नहीं? तू ये गारंटी दे रही है कि रास्ता पार करके कुछ बुरा नहीं होगा? इस बात की गारंटी नहीं है, पर इसकी पक्का है कि तू यहाँ खड़ी रहेगी तो पक्का बुरा होगा। कैसे? ऐसे।